मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर किए गए भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आम जनता और व्यापारियों ने कांग्रेस के समर्थन में आकर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा। तो वही जिला कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साइकिल एवं बैलगाड़ी में पर सवार होकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में जुलूस निकालकर गैस की टंकी की अर्थी निकाली। जनता महंगाई के मार से परेशान है और ये मोदी और शिवराज सरकार देश की जनता पर टैक्स लगा लगा कर पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ पर इन्होंने झूठ बोलकर 35 रुपये पेट्रोल और 30 रुपये की डीजल देने की बात करके जो जनता से वोट मांगे थे, आज वो कहाँ चले गए। आज 86 रुपये पेट्रोल और 70 के ऊपर डीजल हो गए, 950 रुपये गैस की टंकी के रेट हो चुके हैं। 1 रुपये रेट बढ़ने पर शिवराज सिंह साइकिल से विधानसभा जाते थे, सुषमा स्वराज 5 रुपये गैस की टंकी के रेट पर टंकी लेकर लोकसभा सदन में जाती थी, तो आज कहाँ हैं। तो आज हमारे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने बंद का आह्वान किया है। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।